I don't know if this is looking good or not. Please do let me know in the comment section. Okay, so this is the table. अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है. इवनिंग. और आज मैं बिल्कुल रात में व्लॉग चालू कर रही हूँ. आपको टाइम दिखाती हूँ. इट्स 9:45 एक्चुअली. और मैं अभी जा रही हूँ ऐसी साइड में बिकॉज विक्की ने आज ऑफिस से कॉल करके मुझे बोला था कि वील गो आउट फॉर डिनर, यू नो, बिकॉज हमने लास्ट 15 डेज से बाहर का खाना नहीं खाया था और आज शायद उसका ही मन हुआ होगा. एंड आज वेनसडे है, मतलब वीक डे है. एंड आई गेस बर्थडे व्लॉग से पहले का यही व्लॉग होगा. इसके बाद मैं डायरेक्टली अपना बर्थडे व्लॉग ही बनाऊंगी बिकॉज आई थिंक 4-5 डेज, आज 22nd है तो 4-5 दिन ही बचे हुए हैं. और मेरा जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने ये वाला अपना स्वेट शर्ट पहना हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से लिया है. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना तो वहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाला था. सो दिस स्वेट शर्ट इज फ्रॉम H&M. मैंने ये H&M से लिया था और मैंने डिस्काउंट पे लिया था. ये एक्चुअली मैं 1500 या 1600 कुछ का था और मुझे ये मिला था 799 रुपीज़ में. और ये बहुत ही प्यारा सा, सॉफ्ट सा, पतला सा है, मतलब यहाँ की हल्की फुल्की विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है. तो अभी मैं जस्ट वहीं निकल रही हूँ. विक्की वहाँ पहुँचने वाला है, हमारे बिल्कुल घर के साइड में वॉकिंग डिस्टेंस पे है. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आपको मैं वहीं अपने साथ लेकर के चल रही हूँ. सो या आज की जो पार्टी है वो है विक्की की तरफ से. मैं तो आज वॉलेट ही नहीं लेकर के आई हूँ इसलिए. हे गाइस, तो हम लोगों का डिनर हो चुका है और अभी हम लोग डायरेक्टली, आपने कभी किसी को इस तरह से फॉर्मल ड्रेस में वॉक करते हुए देखा है? मैं विक्की को बोल रही हूँ ऊपर चल के चेंज कर लो, पर विक्की ऊपर चल के चेंज नहीं कर रहा है. कह रहा वॉक करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे. तो अभी हम लोग नीचे जस्ट ऐसे ही वॉक ले रहे हैं बिकॉज हम लोग खाना खाने के बाद आजकल नीचे आते हैं, घूमते हैं. सो वही हो रहा है और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे एंड देखते हैं फिर हम क्या करते हैं. सो तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ. Guys, so after finishing my lunch, I've started this Oziva plant-based vitamin E capsule for glowing skin and stronger hair.
मोस्टली जो DIY हेयर एंड फेस मास्क होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन ई का यूज़ किया जाता है, सो इट इज़ ग्रेट टू गेट द ग्लो ऑन योर फेस एंड प्रिवेंट हेयर डैमेज। ऊपर से अभी जैसे विंटर चल रहा है तो बहुत लोगों की स्किन एकदम डल एंड ड्राई हो जाती है, सो यू नो जो ओजीवा प्लांट विटामिन ई है ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद आर्गन ऑयल एंड एलोवेरा ऑयल, ये सब इसमें मिला हुआ है। ओजीवा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये 100% वीगन होते हैं, इसके अंदर कोई भी एडिटिव्स नहीं होता है, GMO नहीं होता है और ये सोय फ्री होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपको लेना कैसे है। इसके अंदर कैप्सूल्स हैं, आपको दिन भर में सिर्फ एक बार लेना है, तो या तो आप इसको लंच के बाद ले लीजिए या आप डिनर के बाद ले लीजिए, तो मैं प्रेफर करती हूँ उसको लंच के बाद लेने का। तो आप इस कैप्सूल को अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, अपने फेस मास्क में यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ 100% नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड, तो आई हाईली रेकमेंड यू ओजीवा प्रोडक्ट्स एज मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। हे गाइस, आई जस्ट गॉट दिस नेल्स फ्रॉम अमेज़न और ये फ्रेंच नेल्स टिप है, कैन यू सी इट? So this is basically a French nail tip and it comes with this stick-ons. तो आप इसको लगा करके जब मन चाहे तब आप इसको peel off कर सकते हैं। So I'm just going to try this out. अगर ये दो तीन दिन भी चल गया तो I think this is the best. आपको फिर जो आप करवाते हो manicure parlors में जा करके वो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, because अगर आप literally आपका जो manicure है with including आप nails करवा रहे हो तो वो आपको I guess 2000 rupees तो आपका नेल्स का हो जाता है एंड देन 1000 ऑफ ऑल दैट मसाज एंड यू नो 500 आप मान लो तो 2500-3000 तक का मैनीक्योर होता है, तो इट्स वेरी वेरी यू नो एक्सपेंसिव आई गेस। हर मंथ कोई भी इंसान इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। आई एम श्योर, मैं तो आई एम नॉट वन ऑफ देम जो हर मंथ जा करके यू नो मैनीक्योर करवाए, और मैं बहुत रफ एंड टफ काम भी करती हूँ, इसी हाथों से मेरा DIY होता है, इसी हाथों से खाना बनाती हूँ, सब कुछ इससे करती हूँ, तो मेरे को वैसे भी बहुत अनकम्फर्टेबल और बहुत अनईजी लगता है। सो आई लिटरली वॉन्ट काइंड ऑफ नेल्स, मेरे को ज़्यादा बड़े नेल्स भी यू नो ज़्यादा दिन तक मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि मुझे बहुत अनईजी सा फील होने लगता है। सो आई वॉन्ट समथिंग कि मेरे बाकी टाइम नेल्स नॉर्मल लेंथ के रहें, लेकिन जब मैं कहीं जा रही हूँ लाइक पार्टी वार्टी सम काइंड ऑफ स्पेशल इवेंट्स हो तो कुछ ऐसी चीज़ हो, तो इसलिए मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगवाया है। आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जिस भी ब्रांड के हैं, बिकॉज इसका रैपर मैं फेंक चुकी हूँ तो मैं लिंक कर दूंगी इसको, और अभी मैं लगा करके देख रही हूँ कि ये कैसा रिजल्ट देती है एंड देन मेरा क्योंकि बर्थडे आ रहा है तो अगर ये तब तक टिक गया तो ये वेल एंड गुड है, नहीं टिका तो फिर नेवर माइंड। एंड दिस इज़ माई यू नो कलर बार ऑरेंज चॉकलेट अल्टीमेट नेल रिमूवर। आपको सिर्फ इसको ओपन करना होता है एंड ओपन करने के बाद आपकी जो फिंगर है वो डिप करनी होती है एंड देन विद इन 2 मिनट्स आपका जो नेल पेंट है वो पूरा निकल जाता है। एंड आज मेरी कॉलोनी में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, साथ ही साथ हल्दी कुमकुम है, सो यू नो आई एम प्लानिंग टू गो देयर एज वेल। और थीम है ब्लैक कलर की साड़ी पहनना है सबको, या तो ब्लैक और या तो ग्रे, सो ये कलर थीम है साड़ी का। तो लेट्स सी कि मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, अगर मैं फ्री हो गई काम से मैं ज़रूर जाऊँगी। सो हेयर इट इज, कैन यू सी दिस? आई लाइक दिस वन, इट लुक्स प्रिटी कूल, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। Hey guys, so here are my nails are done and they are looking super gorgeous or it is looking like ki maine parlor se manicure karwaya hai aur mujhe bahut hi zyada pasand aaya and very easy, thoda sa time laga mujhe set karne mein but it's very easy, aap ghar pe aaram se kar sakte hain. Ab now let's see ki ye kitne din chalte hain. Also I received few jewelries from Amazon Jewel Galaxy, so let me just quickly show you that. Bahut hi pretty jewelries aayi hai is baar, so yeah let's just get started. So the first jewelry is mostly jitni bhi aayi hai Indian attires ke liye hi aayi hai, so yeah first, so the first beautiful piece is this one. So this is like this and this looks very very smart. आप किसी भी you know plain साड़ी पे इसको carry कर सकते हैं and ये सिर्फ अकेला neck piece ही है, वो है ये with chain. So this is also looking very very pretty. बहुत ही प्यारा सा कुंदन का work हुआ है and बहुत ही ज़्यादा pretty लग रहा है. This is in blue color. ये blue color में है और इसके साथ के ये earrings हैं जो कि ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं. तो you know plain साड़ी पे या किसी भी साड़ी पे आप इसको carry कर सकते हैं. Even you can carry it on suits as well. So definitely जितनी भी साड़ी वाली jewelries हैं ये सब मैं अपनी mom को देने वाली हूँ, because मेरी मामा college में हैं और उनके आए दिन college में कभी farewell हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी टीचर्स डे हो रहा है, कभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो पहन के उनको बदल बदल के पहन के जाना मेरी मम्मी को पसंद भी है. सो यू नो हर टाइम गोल्ड तो ऑब्वियसली कैरी नहीं करते हैं,
सो इस तरह की चंकी ज्वेलरीज एंड एंटीक पीसेस उनको अच्छे लगते हैं. सो आई एम गोना गिव दिस. तो ये जितने भी साड़ी वाला मटेरियल है सब मैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ. नेक्स्ट ज्वेलरी इज दीज झुमकास. सो दे आर वेरी ब्यूटिफुल झुमकास एंड दे आर लुकिंग सो प्रिटी. द क्वालिटी इज रियली प्रिटी. आप इसको किसी भी साड़ी पे पहन सकते हैं. ऑल्दो इट हैज है ना रेड कलर, इसके जो इसमें जो मोती है दैट इज ऑफ रेड कलर, तो आप किसी भी साड़ी पे कॉन्ट्रास्ट करके भी इसको पहन सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट पीस है अगेन वो कुंदन का पीस है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. आप इसको तो आई थिंक ये तो आप किसी भी सूट में, किसी भी साड़ी में, किसी भी लहंगे में कैरी कर सकते हैं बिकॉज गोल्डन एंड वाइट कलर के इसमें कुंदन लगे हुए हैं. सो ये भी बहुत ही ब्यूटिफुल सा पीस है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ज्वेलरी. सो जो नेक्स्ट ज्वेलरी मेरे पास आई है वो है ये. आप इसको किसी भी वन पीस ड्रेस के साथ, ब्लैक टॉप के साथ, ऑफ शोल्डर टॉप के साथ कैरी कर सकते हैं. बहुत ही क्लासिक पार्टी वेयर ज्वेलरी है. ऑल्दो आई एम नॉट समवन हु रियली एक्सपेरिमेंट्स अलॉट विद द इयररिंग्स. मुझे जनरली मैं फिर जो स्टड्स पहनती हूँ मुझे वही पसंद है, बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और मेरा काफ़ी मन है कि इसको मैं किसी दिन ट्राई ज़रूर करूँगी. कमिंग टू द नेक्स्ट पीस, लुक एट द पैकेजिंग. द पैकेजिंग इज लुकिंग सो सो क्यूट. अब मैं इसको आपको ओपन करके बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है. सो इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल रिंग. आप किसी भी अपने फ्रेंड को, यू नो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते हैं, आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं. दे आर लुकिंग सो क्यूट एंड पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज्यादा क्यूट है. यू नो इट लुक्स लाइक अ बर्थडे गिफ्ट टू मी. प्यारा सा रोज गोल्ड ब्रेसलेट है. ऑल्दो आई एम नॉट टू मच इनटू यू नो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, मैं बहुत ज्यादा नहीं पहनती हूँ. मुझे ये चेंज करना बार बार, ये मैं पहले बहुत करती थी जब अपने स्कूल टाइम में था. मैचिंग येलो पहना है तो येलो पहन लिया, बट एक टाइम के बाद आई यू नो आई डोंट लाइक टू मच आर्टिफिशियल ज्वेलरी. मैं सिर्फ जो ये इंडियन वेयर होते हैं उसी के साथ ही चेंज करती हूँ. अदरवाइज आई हार्डली यू नो चेंज माई जो मेरी जो ज्वेलरी मैं पहनी हुई हूँ वो एग्जिस्टिंग ज्वेलरी मैं चेंज करती हूँ. बहुत ही रेयर होता है ऐसा. सो येस, बट इफ यू आर अ पर्सन आप डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हैं. काफ़ी प्रिटी कलेक्शन है ये. देन नेक्स्ट इज दिस. दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है एंड बहुत क्लासिक पीस लग रहा है. आप इसको वन पीस ब्यूटीफुल टॉप पार्टी वेयर उसके साथ कैरी कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये भी. सो इट इज़ लाइक दिस एंड द नेक्स्ट पीस इज दिस. दिस इज वेरी प्रिटी इयररिंग सेट. आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को भी. तो यहाँ पर पर्ल के इयररिंग्स हैं, यहाँ पर नॉर्मल यू नो हुप्स हैं, हुप्स इयररिंग्स हैं एंड देन स्टड्स हैं. तो ये भी काफ़ी प्रिटी से हैं. ऑल्दो इस टाइप के मेरे पास काफ़ी सारे आ चुके हैं और मैं बहुत सारे तो गिफ्ट कर चुकी हूँ. तो ये भी मुझे बहुत प्रिटी लग रहा है. मैं पहनती नहीं हूँ हुप्स इयररिंग्स भी और मेरे पास एक सेट ऑलरेडी रखा है. सो आई एम डेफिनेटली गोना गिफ्ट दिस एज वेल. सो ये भी काफ़ी प्रिटी है. जब मैं किसी से मिलने जाती हूँ या मेरे कोई फ्रेंड्स होते हैं या मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं आई डोंट वेयर टू मच और मुझे पता है कि मैं नहीं पहनने वाली हूँ तो मैं रखने का भी कोई सेंस नहीं बनता है अपने पास. So yes, that's it. This is like a pre-birthday gift to me. और हमारी जो टेबल है वो बहुत हद तक रेडी हो चुकी है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली गिव यू अ क्विक टूर कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसमें लगा दी हैं. ओके, सो दिस इज द टेबल. अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है एंड हम लोगों ने थोड़ी सी कार्पेंटर की हेल्प ली थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये आप स्टोरेज यूनिट देख रहे हैं, ठीक है. मैं आपको पास से दिखाती हूँ. सो ये काफ़ी बड़ा सा इसके अंदर स्टोरेज यूनिट बन गया है. अब इस ये जो स्टोरेज यूनिट है ये आधा हमने बनाया है, आधा हमने कार्पेंटर की हेल्प ली है. तो ये जो आप देख रहे हैं हमने इसमें प्लाई ला करके लगा दी थी, लेकिन जो ये सनमाइका लगाई है वाइट कलर की ये हम लोगों से नहीं लग रही थी, चिपक ही नहीं रही थी वो. सो डेफिनेटली वो हमने कभी किया नहीं है तो हमसे हो भी नहीं रहा था. तो उसके लिए फिर हम लोगों ने जो नॉर्मल कारपेंटर होते हैं छोटा मोटा जो काम करते हैं हमने उसकी हेल्प ली. तो ये पूरा जो सनमाइका है ये उससे लगा करके दिया है. एंड ये जो आप नीचे व्हील्स देख रहे हैं मैं आपको पास से दिखाती हूँ. तो ये जो आप नीचे व्हील्स देख रहे हैं ये हम लोगों ने अमेजन से मंगवाए थे. तो इसकी वजह से ये बहुत इजीली यू नो रोल हो पा रही है. इसके अंदर कुछ सामान नहीं रखा है बट स्टिल इट्स वेरी 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 हैवी. तो इसके ऊपर का जो फ्लैप है वो ये रखा हुआ है, वो अभी इसके ऊपर लगना बाकी है. तो अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि अभी हमको एक इस तरह से कंसोल टेबल की तरह लुक दे रहा है ये और बहुत अच्छा लग रहा है, क्लासी पीस लग रहा है. सो लेट्स सी प्रैक्टिकली अगर ये इसमें लगना पॉसिबल होगा तो ही हम इसको लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको एज अ कंसोल टेबल ही यूज करेंगे. क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा एक और हम लोगों ने होम सेंटर से फोल्डिंग टेबल लिया था जो टू सीटर डाइनिंग टेबल था, वो भी काफी अच्छा खासा अंदर रखा हुआ है वो जो बेडरूम में हम लोग जिसपे अभी काम कर रहे हैं करेंटली. तो वो भी पूरा ओपन होकर के यू नो
डाइनिंग टेबल का ही लुक देता है, तो ऑलरेडी हमारे पास वो, अगर ये डाइनिंग टेबल का वर्क नहीं करता है तो दैट विल वर्क एज अ डाइनिंग टेबल एज वेल। और हमारे यहाँ हार्डली हम दो ही लोग रहते हैं तो दो के लिए तो सफिशियंट है, और उसमें चार लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। सो लेट्स सी, वी आर थिंकिंग, अभी प्रोसेस में चल रहा है ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई एम रियली सॉरी जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ना ये बहुत ही अनसर्टेन बेसिस पे हो रहा है। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरे यहाँ नीचे हल्दी कुमकुम है, तो ब्लैक कलर का थीम पहन करके जाना है। मेरे पास ब्लैक कलर की एसेस तो कोई साड़ी नहीं थी, बट अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास ये मुझे भेजी है फ्रॉम जेन टेक्सटाइल, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल सिल्क साड़ी। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इस साड़ी को पहन करके दिखाऊंगी आप लोगों को। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल यू नो ब्लैक एंड गोल्डन साड़ी, मेरा बहुत टाइम से मन था ब्लैक एंड गोल्डन साड़ी पहनने का सिल्क की, बिकॉज यू नो सिल्क इज समथिंग जो कभी भी ऑफ नहीं होता है, फैशन से ज्यादा नहीं है, और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है सिल्क। सो दिस इज इन ब्लैक कलर और बहुत ही हैवी एंड रिच मटेरियल है, तो मैं सोच रही हूँ इसको पहन के जाने का। ऑल्दो दिस इज नॉट रेडी, इसका ब्लाउज रेडी नहीं हुआ है, कुछ भी रेडी नहीं हुआ है, तो मैं क्रॉप टॉप के ऊपर पहन करके जाने का सोच रही हूँ उसको। सो लेट्स सी, मैं देखती हूँ पहन के जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। जेन टेक्सटाइल एक इंस्टाग्राम पेज है जिनके पास बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्क साड़ीज का कलेक्शन है, बहुत ही क्लासी सिल्क साड़ीज है, तो आप डेफिनेटली उनका पेज चेक करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो पेज है उसका लिंक डाल दूंगी जेन टेक्सटाइल्स का। हे गाइस, दिस इज माय साड़ी जो मैं आपको भी बता रही थी, ये इस तरह से लग रही है, एंड मैंने इसको टीम अप किया है अपने एक क्रॉप टॉप के साथ। आई डोंट नो इफ दिस इज लुकिंग गुड और नॉट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस तरह से मैंने ये पहनी है साड़ी, इज रियली वेरी 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 ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। और मैं अभी फटाक से नीचे जा रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, मेरे पास कॉल आ चुके हैं एक दो लोगों के, एंड नीचे का कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ। एंड ये वाला जो वीडियो है वो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्टेड टू ऑर्डर दिस साड़ी, और आपको खरीदना चाहते हैं तो लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनका इंस्टाग्राम पेज है, आप उसी पे ही से ही मतलब दैट इज इंस्टाग्राम पेज एंड इंस्टाग्राम शॉप, आप वहीं से परचेस कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, चिल्लन बाय।